हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पोएम को अमेरिकन सोल्जर, जिसको लिखा था फिलिप फ्रीन्यू ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन। ये एक पोएम है जो कि हमें एक आदमी की कहानी बताती है। वो फॉट फॉर अमेरिकन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, जिसने अमेरिका की आज़ादी के लिए ब्रिटेन से लड़ाई की, जंग लड़ी, बट ही डज नॉट गेट एनी रिस्पेक्ट। लेकिन उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसकी कदर नहीं की गई, और रिवॉर्ड फ्रॉम हिज कंट्री, और ना ही उसकी कंट्री ने उसको कोई रिवॉर्ड दिया इसके बदले में। द पोएम इज रिटन इन अ वे दैट मेक्स द वर्ड्स राइम एट द एंड ऑफ ईच लाइन। इस पोएम को लिखा गया 1781 में, और तब ये वाली वॉर जो थी अमेरिका की और ब्रिटेन की चल रही थी। और ये पोएम शो कराती है कि जो पोएट थे हमारे, यानी कि फिलिप फ्रीन्यू, वो अमेरिका की इंडिपेंडेंस की सपोर्ट में इस पोएम को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी समरी। इसका इंट्रोडक्शन इतना ही काफी है। अगर हम इसके फर्स्ट स्टैंजा की बात करें, द फर्स्ट स्टैंजा सेज दैट सोल्जर हैज बीन मैनी बैटल्स एंड डेंजर्स। ये जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जंगे लड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा उन पे खतरा होता है, बट He has survived them all. लेकिन वो उन सब में सर्वाइव करते हैं, उनको झेलते हैं। He says that he does not care about fame or money. और जो राइटर है वो ये भी कहते हैं कि जो सोल्जर है वो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसको कितना फेम मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, but only about his duty to his country. लेकिन उसको सिर्फ किसी चीज की परवाह होती है तो अपनी ड्यूटी की, कि उसको ये अपनी ड्यूटी करनी है और अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम सेकंड स्टैंजा की बात करें, सेकंड स्टैंजा सेज दैट द सोल्जर हैज लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स। जो सोल्जर होते हैं वो अपने काफी दोस्त जो हैं उनको खो बैठते हैं, एंड कमरेड्स, और अपने रिश्तेदार जो हैं या उनके जो दोस्त होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, उनको वॉर में खो बैठते हैं, एंड ही फील्स सैड फॉर देम, और वो उनके लिए काफी दुखी भी होते हैं। He says that he hopes that they are happy in heaven. और जो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं फिलिप फ्रीन्यू, वो कहते हैं कि हमारे जो सोल्जर हैं वो ये होप करते हैं कि शायद उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके कंपेनियंस थे, वो हेवन में, यानी कि जन्नत में खुश होंगे, एंड दैट दे विल बी रिमार्क्ड बाय देयर कंट्री, और अपने कंट्री, यानी कि जो कंट्री है वो उनको याद रखेगा। The third stanza says that soldier has suffered many wounds and pains. Third stanza में हमारे writer कहते हैं कि जो soldier हैं उनको काफी ज्यादा जख्म मिलते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें मिलती हैं, but he does not complain about them. लेकिन वो उनके लिए शिकायत नहीं करते कि हमें इतने दर्द मिले, इतना सब कुछ मिला, हमने ये सब कुछ फेस किया, वो कंप्लेन नहीं करते। He says that he is ready to die for his country. और यहाँ पर हमारे writer कहते हैं कि जो सोल्जर है वो हर टाइम तैयार होता है अपनी कंट्री के लिए मरने के लिए, और वो हमेशा उसकी यही कोशिश होती है कि वो वॉर को विन करे। फोर्थ स्टैंजा सेज दैट द सोल्जर हैज नो होम और फैमिली टू गो बैक टू होम। और फोर्थ स्टैंजा ये कहता है कि जो सोल्जर है उसकी कोई फैमिली, कोई होम नहीं होता जहां पर वो वापस जा सके, क्योंकि उसके घर सब कुछ, यानी कि एनिमीज तबाह कर देते हैं, और उसके लिए सब कुछ जो है वो उसका जंग का मैदान ही होता है। उसके लिए ना सोने के लिए बिस्तर होता है और ना और कुछ। आगे चले तो नेक्स्ट स्टैंजा में भी कुछ यही है। फिफ्थ स्टैंजा की अगर हम बात करें तो सोल्जर हैज नो क्लॉथ्स और फूड टू कीप हिम वार्म। जो सोल्जर है उसके पास कोई कपड़े और खाना नहीं होता। सिक्स स्टैंजा में कहते हैं उसके पास, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता उसकी कंट्री से, और वो जो कंट्री जिसके लिए वो लड़ता है वो कंट्री उसको बहुत जल्दी भुला देती है। सेवन स्टैंजा की अगर हम बात करें तो सोल्जर वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं अपनी कंट्री के साथ, और सारी जितनी भी ट्रबल्स होती हैं उन सबको बर्दाश्त करके भी उनकी फेथफुलनेस और उनकी लॉयलिटी अपनी कंट्री के लिए ख़त्म नहीं होती। एट स्टैंजा की अगर हम बात करें, सोल्जर आस्क गॉड टू ब्लेस हिज कंट्री। सोल्जर हमेशा अपने रब से यही दुआ करते हैं कि हमारी कंट्री को वो प्रोटेक्ट करे और हमारी कंट्री ही हमेशा वॉर जीते। एंड ही सेज दैट ही होप दैट वन डे हिज कंट्री विल बी फ्री एंड हैप्पी। और यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में फिलिप फ्रीन्यू ये कहते हैं, अपनी कंट्री के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है ये एक दिन आज़ाद होगी और खुश होगी। और इसी के साथ वो, यानी कि जो सोल्जर हैं
उनका थैंक यू और उनका ऑनर करते हैं कि उनका बहुत बड़ा हाथ है कंपनी में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.